गुड मॉर्निंग क्लास, स्टार्ट करते हैं अपन। एक नया टॉपिक है, नाम है वेंचर कैपिटल। इसका दूसरा नाम वेंचर फंड भी हो सकता है, वेंचर कैपिटल। अब चलते हैं अपन इसके अंदर, देखते हैं क्या ये। तो मैं आपको अगर ओवरऑली बताऊं इसको, तो यू समझ लिए कि कुछ लोग पर्सन, उनके पास स्किल होती है, टैलेंट होता है, बट क्या नहीं होती है, डायरेक्ट बता देता हूँ, मनी। प्रॉब्लम क्या होती है? मनी। कुछ बिजनेसमैन, बैंक और गवर्नमेंट, इनको चाहिए कोई ऐसे बंदे जो नया काम कर सकते हैं, तो ये इनका क्या करते हैं, फंडिंग करती है। फंडिंग कौन करता है? या तो कोई प्राइवेट बैंक, कोई बैंक, गवर्नमेंट, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इनका फंडिंग करते हैं। तो इस जो ये पैसा लगाते हैं इन लोगों पे, कौन पे? जिनके पास टैलेंट होता है, आइडिया होते हैं, उनको बोलते हैं अपन वेंचर कैपिटल, सीधी साधारण भाषा में। अब चलते हैं अपन आगे, इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं। द स्टूडेंट्स स्टडिंग मॉडर्न टेक्निकल एजुकेशन हैविंग क्रिएटिव, मतलब नए विचार, आइडिया टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए उनके पास कुछ होता है, न्यू, क्या करने के लिए, समथिंग न्यू, कुछ नया करना, चलो कुछ नया करते हैं। तो वो जो नया करते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया होते हैं, बट इन लैक ऑफ कैपिटल, मैं एक एक वर्ड पे ध्यान से बता रहा हूँ, समझना, बट लेकिन कैपिटल, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण, स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशन है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर, कुछ भी है, साइंटिस्ट है, आइडिया बहुत सारे हैं, नया करने की इच्छा भी है, लेकिन जुगाड़ नहीं है, लेक ऑफ कैपिटल है, पैसा नहीं है। दे कैन नॉट गिव ए प्रैक्टिकल शेप ऑफ दियर आइडिया, वो अपने आइडिया को प्रैक्टिकल में नहीं बदल सकते। क्यों? ड्यू टू मनी प्रॉब्लम, पैसों की कमी के कारण। Therefore, इसलिए the government has created venture capital fund to provide required capital to convert their abstract idea and technique into concrete form। Government क्या करती है? Fund देती है, ताकि जो ये आइडिया है ना, ये किसी फॉर्म में चेंज है, कोई रूप में चेंज हो जाए, कुछ बन जाए, कुछ नई चीज लेके आए, कोई नया उपाय आए, देश चलेगा, नई टेक्नोलॉजी आए। दोबारा बताऊं, दियर फोर द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड वेंचर कैपिटल फंड, ये वेंचर कैपिटल फंड बनाती है टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड कैपिटल, जितना पैसा चाहिए, टू कन्वर्ट करना, चेंज करने के लिए, क्या चेंज करने के लिए, आइडियाज को, टेक्निक्स को, इनटू किसके अंदर, किसी फॉर्म में, कॉन्सरेट फॉर्म में, मतलब कोई संबंधित फॉर्म में, कुछ तो बनेगा, कुछ तो बनाएंगे ना। तो आई थिंक दिस इज द मीनिंग ऑफ वेंचर कैपिटल, यू आर गेटिंग इन सेम वो टाइम सेइंग, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, वो समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं इसको साथ में पढ़ देता हूँ,
ताकि आपकी समझ में आ जाए दोबारा। द स्टूडेंट्स स्टडिंग मॉडर्न टेक्निक एजुकेशन हैविंग क्रिएटिव आइडिया टू डू समथिंग न्यू बट इन लैक ऑफ कैपिटल दे के नॉट गिव ए प्रैक्टिकल सिटअप टू देयर आइडिया therefore the government has created venture capital fund to provide required capital to convert their abstract idea and techniques into concrete form। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत ही टेक्निकल आइडिया मॉडर्न टेक्निक आइडिया होते हैं, मॉडर्न स्टडी किए हुए होते हैं, बट पैसों की कमी के कारण होने के कारण वो अपने आइडिया को शेप नहीं दे पाते हैं। बट गवर्नमेंट उन लोगों के लिए फंड अराइज करती है ताकि वो अपने आइडिया को एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, उतने रिक्वायर्ड मनी उनको गवर्नमेंट दे देती है। दैट इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल फंड। क्लियर? ये बेटा कभी कभी दो नंबर का, कभी कभी चार नंबर का, कभी कभी पांच नंबर का, कितने का भी आ सकता है। आगे चलते हैं। प्रजेंटली अभी क्या करा है, द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक मेनी कंपनीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इनक्रेज सच एंटरप्रेन्योर। अब ये जो व्यक्ति हैं जिनके पास टैलेंट है उनको क्या क्या कहेंगे अपन, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब हो गया जो बिजनेस के अंदर रिस्क ले रहा है बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल फॉर दियर बिजनेस। गवर्नमेंट ने बहुत सारे फंडिंग लगा रखी है, मार्केट में बहुत सारे फंड दे रखा है कि आप तो इस मार्केट में नया बिजनेस लेके आओ, नई चीज़ लेके आओ, हम पैसा लगेंगे। तो गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने लोगों को पैसा देने की बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है। सिर्फ चाहिए कौन, काम करने वाला चाहिए, काम करने वाला चाहिए। आगे चलते हैं। वेंचर कैपिटल इज ए वे इन विच इन्वेस्टर सपोर्ट एंटरप्रेन्योर टैलेंट। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, वेंचर कैपिटल इज ए वे, वेंचर कैपिटल से एक ऐसा रास्ता है इन विच जिसमें इन्वेस्टर सपोर्ट एंटरप्रेन्योर। इन्वेस्टर का मतलब जो पैसा लगाने वाला, सपोर्ट इंटरप्रेन्योर का जिसके पास टैलेंट है, उसके टैलेंट को विद द फाइनेंशियल एंड बिजनेस स्किल टू एक्सप्लोइट मार्केट अपॉर्चुनिटी इन द एक्सचेंज फॉर ए इक्विटी शेयर ऑफ बिजनेस। ये कह रहा है कि वेंचर कैपिटल एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर हम सपोर्ट करता है इंटरप्रेन्योर का ताकि वो कंपटीशन के अंदर आगे जा सके। भैया जिनके पास नए आइडिया होंगे वही तो आगे जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या करते हैं, इन आइडिया को खरीद लेते हैं और मार्केट के अंदर आगे जाने की कोशिश करते हैं, नई चीज़ें लेके आते हैं। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, द इन्वेस्टर कंपनीज ऑफ वेंचर कैपिटल फंड नॉट ओनली प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल। ये सिर्फ इक्विटी कैपिटल में नहीं है, इक्विटी इक्विटी मैंने इसलिए इस पर गौर नहीं किया कि आप समझ के बाहर है, आप तो ये मान के चलो कैपिटल पैसा लगाते हैं, बट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट इन द रनिंग द बिजनेस। ये कह रहा है कि कभी कभी बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा देते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट को लेते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट को, मतलब इस कहने का मतलब बिजनेस के अंदर सभी एक्टिविटीज के लिए पैसा लगाया जाता। आगे चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक अच्छा ये पूरा हो गया भैया, अब आपका एक नया टॉपिक आता है क्रेडिट रेटिंग। ये क्या है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आज ही पढ़ा देंगे। क्रेडिट रेटिंग का मतलब, नाम मैंने भेज दिया था, क्रेडिट रेटिंग का मतलब रेट देना। अपन रेट देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 star, 2 star, 3 star, 5 star ग्रेड देते हैं ABCDE। रेट देने का मतलब ये समझ लो बेटा कि कंपनियां क्या करती है, मार्केट से पैसा उठाती है, अब पैसा वापस देती है, तो अब अपन जैसे इन्वेस्टर हैं, अपन लोग हैं जो शेयर खरीदना चाहते हैं, किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदना चाहते हैं, तो कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए, विच कंपनी इज बेस्ट, आप बताओ। तो हमें जैसे मोटा मोटे नाम सुनते हैं, पर रिलायंस कंपनी बढ़िया है, टाटा कंपनी बढ़िया है, ये अच्छी कंपनियाँ मानी जाती है, इनमें पैसा लगा देंगे अपन। टोयोटो है, मारुति सुजुकी है, ऑटोमोबाइल्स की कंपनियाँ हैं। टेक्सटाइल के अंदर देखें तो अपन रेमंड है, सियाराम है, विशाल है, साड़ियों की बहुत बड़ी कंपनी है, तो हम ये करते करते तो इनको, लेकिन ये कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से इनको पैसा उधार दे या नहीं दे, इनको रेट देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी एजेंसी स्थापित कर रखती है जो कि कंपनियों की फाइनेंशियल कंडीशन और उधार देने की क्षमता और उधार वापस देने की क्षमता को प्रेजेंट करती है। तो वो जो रेट देते हैं उन कम, जैसे आपको आपके मार्कशीट के अंदर रेट देने वाला कौन है, बोर्ड है,
अजमेर बोर्ड है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावटी यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज में बन गई, सीबीएसई बोर्ड है, अजमेर बोर्ड राजस्थान वाला बोर्ड है, महाराष्ट्र का बोर्ड अलग है, दिल्ली का बोर्ड अलग है, ये सब क्या करती है, ये आपके एग्जाम में रेटिंग देती है आपको कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या रेट रहे हो, ऐसे ही। तो बहुत ही मतलब सिंपल है, हार्ड नहीं है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब रेट देना। तो विद द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द बिजनेस रिस्क, आज के टाइम बिजनेस रिस्क ग्लोबलाइज हो गया है, हैज बिकम मोर वाइड एंड एक्सटेंशन इज ओपन इकोनॉमिक, डियर फोर इट इज गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स टू अनप्रॉफिट इन बिजनेस, लेकिन प्रॉफिट बिजनेस में करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, ये उसका बैकग्राउंड था। एंड ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब जो हम लोग पब्लिक मान ले, पैसा लगाने वाले पब्लिक, हु सप्लाई दियर फंड, जो आपका फंड देते हैं फॉर बिजनेसेज, एंड आल्सो वांट टू इंश्योर द रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन वो चाहते हैं रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कुछ परसेंटेज इनको वापस तो मिले, भैया हम 100 रुपये लगाते हैं तो कम से कम 2 रुपये तो उम्मीद करते नहीं करते प्रॉफिट की, ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम इन द सिक्योरिटीज ऑफ द न्यू एस्टेब्लिशमेंट कंपनी, जो नई कंपनियाँ बनी हैं उनके अंदर पैसा लगाते हैं और वो रिफंड की उम्मीद करते हैं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, एंड ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टर हु सप्लाई दियर फंड्स फॉर बिजनेस, हु वांट टू इंश्योर, वो चाहते हैं द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम, उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उस पर, इन द सिक्योरिटीज ऑफ द न्यू एस्टेब्लिशमेंट कंपनी, वेदर दियर इन्वेस्टमेंट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट, चाहे उनका प्रॉफिटेबल हो, चाहे वो बिजनेसमैन प्रॉफिटमैन हो या ना हो, फॉर ऑल दीज डिसीजन क्रेडिट रेटिंग इज इम्पोर्टेंट, इसके लिए क्रेडिट रेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी डिटेल अपन बेटा जब मौका मिला तो फेस टू फेस क्लास में अपन इसको दोबारा पढ़ेंगे, नोट कर लेना कि भाई इसको दोबारा पढ़ा जाएगा क्योंकि इसकी बहुत बड़ी डिटेल है। तो अब इंडिया में बात करें, इन इंडिया द मेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर कौन कौन सी काम करती है, इनका नाम याद कर लेना, CRISIL वाज एस्टेब्लिश, इसका नाम क्या है, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया, ये नाम है भैया, पहला 1987 में स्थापित हुई। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट एजेंसी ICRA। तीसरा है क्रेडिट एजेंसी एंड रिसर्च लिमिटेड केयर, तो इनको मैंने शॉर्ट में दोबारा नाम लिख दिया। अच्छा एक नाम और लिखा है मैंने, SEBI, इंडिया के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन इंडिया सिक्योरिटी बोर्ड इन इंडिया, SEBI जो कि शेयर मार्केट को पूरे को कंट्रोल करती है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था क्रेडिट रेटिंग। ये एजेंसी क्या करती है, रेट देती है, क्या देती है, रेट देती है, किस क्या डिसाइड करती है, ये लिख लेना, क्रेडिट वर्थ, क्या डिसाइड करते हैं, किसी कंपनी की क्रेडिट वर्थ को डिसाइड करती है, किसी कंपनी को क्या करती है, क्रेडिट वर्थ को, इसको कह सकते हैं अपन कैपेसिटी टू पे, वापस चुकाने की क्षमता, ये डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये दो आपके टॉपिक थे अलग अलग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या, क्रेडिट वेंचर कैपिटल, थैंक यू सो मच।